तो रेसलिंग मीडिया फैमिली, अभी सबसे बड़ा सवाल बस यही है कि रोमन रेंस ने जो इतना खतरनाक रिकॉर्ड बनाया है यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और अब वो धीरे धीरे WWE चैंपियनशिप का भी टाइटल रेन का रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, तो क्या रोमन की इस अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल रेन को द अमेरिकन नाइटमेयर कॉडी रोड्स रेसलमेनिया 39 में ब्रेक कर सकते हैं या नहीं, या इस साल के रेसलमेनिया के बाद एक बार फिर से रोमन ही अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बने रहेंगे? तो इस बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या रेसलमेनिया 39 में कॉडी रोड्स रोमन रेन से जीत सकते हैं, या फिर रेसलमेनिया में भी रोमन रेंस ही जीतकर उनका टाइटल रेन बचाए रखेंगे। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो इस बारे में मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात अभी WWE देखने वाला हर एक फैन जानता है कि अभी फिलहाल WWE की सबसे बड़े सुपरस्टार द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस हैं, और अभी पूरे बिजनेस को रोमन रेंस ही कैरी कर रहे हैं, क्योंकि रोमन से पहले जो बड़े सुपरस्टार थे जैसे कि ब्रॉक लेसनर या फिर जॉन सीना, अंडरटेकर, इनमें से अंडरटेकर रिटायर हो गए और सीना तो साल में एक मैच में फाइट कर लें वो भी बहुत ज्यादा है, और फिर बचे ब्रॉक लेसनर जो हो सकता है कि 3 महीने में 3 फाइट करें या फिर साल में सिर्फ एक ही मैच करें। इसलिए अभी WWE को सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस ही चला रहे हैं, और रोमन रेंस पहले से भी ज्यादा इसलिए बड़े सुपरस्टार बन गए क्योंकि रोमन ने जो एक बार रिटर्न आने के बाद चैंपियनशिप जीती उसके बाद से लगभग अभी 3 साल हो गए रोमन उनका चैंपियनशिप हार ही नहीं रहे, बल्कि ये तीसरा साल है रेसलमेनिया का जब रोमन मेन इवेंट में फाइट करने जा रहे हैं। और रोमन रेंस अगर इस साल भी रेसलमेनिया में जीत गए तो वो शायद ब्रूनो सामंटिनो का भी रिकॉर्ड तोड़ दें, तो फिर रोमन रेंस को 1000 दिन कंप्लीट करने से एज अ यूनिवर्सल चैंपियन कोई सुपरस्टार नहीं रोक पाएगा। और आज से 30-40 साल बाद भी रोमन रेंस का नाम WWE के इतिहास में लिखा रहेगा कि मॉडर्न एरा के सबसे लंबे चैंपियन रोमन रेंस थे। लेकिन अगर इस साल रेसलमेनिया में कॉडी रोड से रोमन रेंस हार गए तब ऐसा नहीं है कि रोमन रेंस बड़े सुपरस्टार नहीं रहेंगे, लेकिन रोमन का जो अभी करियर चल रहा है उसमें रोमन का चैंपियन बना रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और रोमन जिस सुपरस्टार से भी हारेंगे वो रोमन के बाद WWE का बड़ा सुपरस्टार रहेगा, क्योंकि आप लोग हमेशा नोटिस करते हो कि जब भी कोई बड़ा सुपरस्टार बहुत टाइम से नहीं हार रहा है तब वो या तो किसी लेजेंड से हारता है या फिर कोई ऐसे नए सुपरस्टार से हारता है जिसे WWE नेक्स्ट बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहते हैं। और फिलहाल कॉडी रोड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि WWE उन्हें नेक्स्ट बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो रेसलमेनिया 39 में ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस अभी नहीं हारने वाले, और इस साल एक बार फिर से भले ही ब्लडलाइन की इंटरफेरेंस के कारण या बिना उनके इंटरफेरेंस के रोमन रेंस रेसलमेनिया 39 में जीतकर एक बार फिर से चैंपियन बने रहेंगे। तो ये तो मेरी प्रेडिक्शन थी। वैसे आप लोग भी अपनी प्रेडिक्शन इस मैच के बारे में कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें, और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं, और तब तक के लिए गुड बाय।